Welcome back once again, my lovely friends. So, as we all know, festive season is around the corner and we all love to cook some sweets at home. Today, on special demand, I am cooking a very famous Indian dessert, that is Anguri Rasmalai. This recipe turns out to be super soft, very juicy, and it would not dry from the inside and it soaks up all the milk. This Anguri Rasmalai. This recipe, it's my personal favorite too. And I'm also going to share all the tips and tricks with you all so that you can make perfect and fine beautiful recipe of this Anguri Rasmalai. So let's see how to prepare this. सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने हैवी बॉटम का एक पैन ले लिया है, उसमें मैं वाटर ऐड करूँगी जिससे जो मिल्क है वो नीचे चिपके नहीं पैन में। उसी के साथ साथ देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी मिल्क। ये मिल्क जो मैंने लिया है, दूध जो लिया है, ये फुल फैट वाला दूध लिया है, काऊ मिल्क लिया है, और जो है 2 लीटर मिल्क मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आपको जितना बनाना हो और एक अच्छा इसमें बॉयल आने देते हैं, इतने हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। उसके बाद ये देखिए मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून विनेगर यूज़ कर रही हूँ। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून इसमें डाल दिया वाटर। आप नींबू का यूज़ ना करें, उससे जो छेना है वो अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा है कि यहाँ पे क्विक बॉयल आ गया है। बस ज़्यादा हमें इसमें ज़्यादा बॉयल नहीं देना, बस हल्का सा बॉयल आ जाना चाहिए। उसी के साथ साथ देखें जो हमने विनेगर का पानी बना के रखा है, वाटर बना के रखा है, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। इकट्ठा हमें इसमें नहीं डालना, स्लोली स्लोली आप इसमें डालते रहें और हल्के हल्के हाथों से आप इसको चलाते रहें, मिक्सचर को कंटिन्यूसली चलाते रहें। फ्लेम जो है वो उस टाइम बिल्कुल मैंने लो कर दी है, लो फ्लेम पे आप विनेगर को इसमें ऐड करें। कुछ लोग होते हैं वो नींबू भी डाल देते हैं, नींबू को अवॉइड करें, उससे छेना जो है अच्छा नहीं बनता, क्रीमी नहीं बनता। उसी के साथ साथ ये देखें बहुत अच्छे तरीके से छेना जो है ये फट गया है, दूध अच्छे से देखें फट गया है इस तरीके से, एज यू कैन सी। और फ्लेम जो है वो मैंने इस पॉइंट पे बिल्कुल लो कर दी है और लो फ्लेम पे हम कंटिन्यूसली अब इसको ज़रा बस 2 से 3 मिनट के लिए चला देंगे। उसके बाद देखें आप देख रहे हैं कितने परफेक्टली बहुत अच्छे से तरीके से हो गया। अब हम इसको किसी स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे सारे इस पनीर को। उसके बाद ये देखिए मैंने एक यहाँ पे बाउल ले लिया है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे देखिए ये मलमल का कपड़ा या कॉटन कपड़ा आप कोई भी ले लें, या अगर आप स्ट्रेनर में करना चाहें, छन्नी में करना चाहें तो आप उसमें भी छान सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे कॉटन क्लॉथ का यूज़ किया है। और साथ ही साथ मैंने सारा छेना देखिए इस पॉइंट पर डाल दिया। या तो आप वाटर के साथ भी पूरा छेने को छान लें, या आप जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप इस तरीके से कर लें, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। तो अच्छे तरीके से देखें मैं पहले इसको स्क्वीज़ कर लूँगी, इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो मैं इसमें हटा दूँ। उसी के साथ साथ हम इसमें 2 से 3 बार वाटर ऐड करेंगे छेने में, जिससे जो इसकी जो स्मेल है विनेगर की वो इसमें बिल्कुल नहीं रहे, खटास बिल्कुल नहीं रहे। तो आप देख रहे हैं अच्छे से देखें मैं इसको यहाँ पे स्क्वीज़ करके इसका जितना एक्सेस वाटर है सब मैंने देखें इतने अच्छे से निकाल लिया है। और देखिए ये पानी जो आप देख रहे हैं ये बचा हुआ, इससे आप ना आटा गूंध लें, बड़ा अच्छा सॉफ्ट आटा गूंध के तैयार होगा, आप फेंके नहीं इस पानी को, वेस्ट ना करें। उसके बाद देखिए मैंने इस तरीके से इसकी पोटली टाइप बना ली है पनीर की, इसको मैं किसी भी जगह हैंग कर दूंगी जिससे और इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए और अच्छे से ड्राई हो जाए। आधे घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आधे घंटे के लिए हमने उसको वहाँ ऐसे छोड़ दिया है पनीर को। इतने आगे का प्रोसेस देखते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें हम बनाएंगे अब रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1.5 लीटर दूध, 1.5 लीटर मिल्क मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बनाने के लिए रबड़ी को। एक क्विक बॉयल का हम यहाँ पे वेट करेंगे और फ्लेम जो है वो अभी हाई है, बाद में हम लो कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा से यहाँ पे एक बॉयल आ गया है, फ्लेम जो अब जो है वो ज़रा मैंने मीडियम लो पे कर दी है। और जब तक ये मिल्क जो है वो बिल्कुल आधा नहीं हो जाता, दूध आधा नहीं हो जाता, तब तक हम इसको अच्छे से पकाते रहेंगे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। देखें जितनी लो मीडियम फ्लेम पे आप इस रबड़ी को बनाओगे उतना ज़्यादा ही अच्छी बनेगी। और आप साइड साइड्स में से देख रहे हो ये जो आ रहा है, ये एक लेयर जो आ रही है मलाई की, रबड़ी की, साइड बाई साइड इसको लेते रहें। तो देखिए 6 से 7 या 8 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे ये पकता रहा है। हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडी होने के बाद रबड़ी ऑलरेडी
गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे आप अपने मुताबिक इसमें चीनी ऐड कर दें। मैंने हाफ कप के करीब चीनी यहाँ पे डाली, शुगर डाली। उसी के साथ साथ देखिए मैं यहाँ पे कुछ केसर डाल ली हूँ। केसर डालने से एक तो बहुत अच्छा गाइस कलर आता है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है रसमलाई के अंदर केसर का। अगर आप लोग के पास नहीं हो केसर तो आप इसमें टर्मरिक या वरना येलो फूड कलर भी इसमें डाल सकते हो। ओके, उसके बाद देखें कुछ इस टाइप की कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पे चाहिए है इस रबड़ी की। ज़्यादा आप गाढ़ी नहीं करो, मैंने अभी आपको बताया ज़्यादा गाढ़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ठंडी होकर ही अपन ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाती। उसी के साथ साथ मैंने देखें कुछ यहाँ पे और हल्के से डाल दिए स्ट्रैक्स केसर के, थोड़ा इसको और ज़्यादा फाइन कलर देने के लिए। तो बस देखें रबड़ी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। फ्लेम को करेंगे ऑफ और रबड़ी को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी एक बाउल में और उसको बिल्कुल ठंडी होने के लिए इसको रख दूंगी फ्रिज में। तो रबड़ी जब तक ठंडी हो रही है आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे शुगर सिरप हम बना लेते हैं, मैंने यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया है। उसी के साथ साथ देखिए मैंने 1 कप यहाँ पे चीनी डाली। चीनी को अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मेल्ट करेंगे, स्टर कर दें ज़रा आप एक बार, इसको अच्छे चला दें चीनी को। और देखिए इसका जो शुगर सिरप जो रखना है हमको ज़्यादा चिपचिपा नहीं रखना ना, कोई इसमें ना तार नहीं बनना चाहिए, बस हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद देखें रबड़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, शुगर सिरप जो है वो हमारा लो फ्लेम पे रखा हुआ है और आधा घंटा यहाँ पे हो चुका है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से, देख रहे हैं आप शेप आया है इसमें इसी तरीके से। अब हम इसको तोड़ लेंगे। अब ये जो है गाइज ये मेन प्रोसेस है इस पूरी रेसिपी को, इस पूरी रसमलाई को बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो यहीं पे लगेगी, इस स्टेज पे ही लगेगी। आप देख रहे हैं ये पनीर जो है वो कितना ज़्यादा ड्राई हो गया है, इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है, एक्स्ट्रा वाटर नहीं है, अच्छे से ये ड्राई हो चुका है। अब आपको क्या करना है, पहले आप इसको हल्के हाथों से ज़रा मिक्स कर लें अच्छे तरीके से इस छेने को। और आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट बना है छेना, बस कुछ हमें ट्रिक्स याद रखनी है इसको बनाते वक्त और आपकी सब चीज़ें बहुत अच्छी बनेंगी। तो देखें ये हथेली होती है, हथेली इसका नीचे वाले पार्ट से आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर लगाना है और इस तरीके से ये जो इसमें आप कह सकते हैं बारीक बारीक जो छेने में दाने हैं इनको सबको फ्लैट करना है, बिल्कुल स्मूथ बना देना है। ये प्रोसेस करने में मुझे लगभग 10 से 12 मिनट लगे प्रोसेस को करने में, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। और यही मेन पॉइंट है, यही मेन स्टेज है, अगर ये चीज़ आपकी सही हो गई बैलेंस हो गई तो आपकी रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं मैं इसको कर रही हूँ इसी तरीके, जब तक ये बिल्कुल क्रीमी सा नहीं हो जाता तब तक आपको इसको करते रहना है, इसमें बड़ी मेहनत अपनी लगा देनी है सारी इस पॉइंट पर। तो आप देखिए, तो देखिए हल्का सा क्रीमी इसका टेक्सचर हो गया है और मैं हल्का और करूँगी। तो देखिए हल्का सा जो मिक्सचर है ये बहुत अच्छे से क्रीमी हो गया है, लगभग मैंने और इसमें मेहनत और करी। उसी के साथ साथ देखिए आप एक हल्का सा इसमें से लें, पोर्शन लें और देखें अगर ये बिल्कुल परफेक्टली गोल बना है, इसमें बिल्कुल भी दरारें नहीं आ रही हैं, क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ साथ देखें आप इस तरीके की फ्लैट भी बना सकते हैं रसमलाई अगर आप बनाना चाहें, लेकिन मैं तो गोल ही बना रही हूँ। तो बाकी के सारे हम इसी तरीके से रसगुल्ले बना लेंगे। सारे रसगुल्ले हमारे बनके तैयार हैं, आप शुगर सिरप भी देख सकते हैं परफेक्टली हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। फ्लेम जो है बिल्कुल हाई है, टेम्परेचर जो है बिल्कुल हाई रखना है हमको और बिल्कुल हाई टेम्परेचर में हम डालते रहेंगे इसको, बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। तो हाई फ्लेम है इस पॉइंट पे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। ये आप देख सकते हैं एक एक करके आप डालते रहें, फिर ढकते रहें, डालें फिर ढकते रहें, टेम्परेचर जो है बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, मेक श्योर दिस इज़ अ मेन पॉइंट वाइल मेकिंग रसगुल्ला। आधे हमने अभी डाले, आधे हम बाद में डालेंगे।
तो 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इनको देखे बिल्कुल हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल कवर करके हाई फ्लेम पे। तो ज़रा खोल के देखते हैं क्या रिजल्ट्स हैं इसके। ने बहुत ही छोटे छोटे बनाए थे, हल्के से बड़े हो गए। और आप इसी तरीके से देखें, इसमें ये जो शुगर सिरप है इसके ऊपर आप इस तरीके से स्पैचुला से ऊपर इसके डालते रहें, जिससे ना ऊपर क्रैक्स ना आए बिल्कुल भी। उसके बाद मैं इसे ढक दूंगी, कवर कर दूंगी बस 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट के लिए बिल्कुल मैंने इनको कवर कर दिया था, फ्लेम को ऑफ कर दिया था। और देखें आप चाशनी देखिए इसमें कितनी ज़्यादा ना स्पॉन्जी कितने ज़्यादा हैं। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए जाला जो इसमें बन रहा है जालीदार, यही मेन पहचान है। ये जो गुलाब जामुन आपने बनाए हैं ये बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही देखें जूसी बने हैं, ये स्पॉन्जी बने हैं। तो देखें आप इसको इस तरीके से भी ईट कर सकते हैं, वाइट रसगुल्ला के तरह ये लग रहे हैं। आप इस तरीके से भी इसे ईट कर सकते हैं, लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ सर्व कर सकते हैं इसी तरीके से। बहुत ही ज़्यादा टैम्पटिंग, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। बस ये देखें कुछ कुछ ट्रिक्स हैं हमें याद रखनी है। तो हल्के से ये ठंडे हो गए थे तो मैंने स्क्वीज़ कर लिया है इनका चाशनी में से इनका वाटर। उसी के बाद देखें जो रबड़ी हमने बना के रखी थी, ठंडी ठंडी रबड़ी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। बिल्कुल चिल्ड हो रही है इस टाइम रबड़ी। अगर आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दें, बना के रसमलाई को और अच्छा फ्लेवर देती है ये। उसी के साथ साथ देखिए मैं यहाँ पे कुछ केसर के स्ट्रैक्स ऐड कर दूँगी। ऊपर से मैं यहाँ पे कुछ रोज़ पेटल्स इसमें ऐड करूँगी ज़रा इसको और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। आपके पास जो हो आप इसमें डाल दें, ऊपर से गार्निश कर दें या बारीक बारीक ड्राई फ्रूट्स मींस बादाम काट के इसमें डाल दें। पिस्ता देखिए मैं यहाँ पे क्रश्ड हुआ हुआ पिस्ता ऐड कर रही हूँ। और देखिए मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी है। देखिए वाओ, इट्स लुकिंग अमेजिंग गाइस। ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग इस रेसिपी को। बहुत सारे फेस्टिवल्स अभी आगे आने वाले हैं, आप ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ। इस रेसिपी को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए मैं आपको इस तरीके की मिट्टी के कुल्हड़ में भी दिखाती हूँ निकाल के। इसमें तो खाने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, जो एक अरोमा होता है मिट्टी के कुल्हड़ की, जो एक स्मेल होती है वो इसके अंदर आ जाती है। तो इससे इसका टेस्ट जो होता है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो के आता है। देखिए इट्स लुकिंग अमेजिंग। सो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।